इंडियन आइडल 13 के फिनाले में सिर्फ एक दिन बाकी है, उसके बाद शो को अपना विनर मिल जाएगा और इंडियन आइडल के सिंगर्स का भी ये लंबा सफर खत्म हो जाएगा। देखा जाए शो करीब 8-9 महीनों से चल रहा है और काफी वक्त से शो का फिनाले भी पोस्टपोन हो रहा था, लेकिन अब 2 अप्रैल को शो का फिनाले कंफर्म कर दिया गया है और विनर की लिस्ट में 6 नामों में से एक नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है, जो कि है ऋषि सिंह का नाम। ऋषि सिंह इंडियन आइडल 13 के विनर बनते बताए जा रहे हैं, लेकिन कौन विनर बनेगा वो तो 2 अप्रैल को पता चल जाएगा। फिलहाल तो इस वक्त ऋषि सिंह की काफी चर्चाएं हो रही हैं। ऋषि सिंह की एक कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह ने एक एपिसोड में खुलासा किया था कि उनके पैदा होते ही उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। अब जिन्होंने उनका साथ दिया, उनका पालन पोषण किया, वो उनके माता पिता हैं और उन्होंने ही उन्हें गोद लिया था। ऋषि सिंह जब 1 दिन के थे तो उन्हें गोद लिया गया था। जिन्होंने ऋषि सिंह को गोद लिया, ऋषि ने उनके बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं कहीं सड़ रहा होता, मर रहा होता, लेकिन उन्होंने मेरी सेवा की, मुझे पाला पोसा और मुझे उन पर गर्व है। मैं उनका बेटा हूँ, भले ही खून से ना हूँ। ऋषि ने बताया कि वो बचपन में बीमार रहते थे, माँ उनकी रात दिन सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी, तो लोग बोलते थे कि ये खुद बीमार रहता है, इसके खून में ही बीमारी है, ये तुम्हारी क्या सेवा कर पाएगा, तुम्हारा क्या सहारा बन पाएगा। ऋषि को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज ऋषि ने अपने हुनर से सबके की बोलती बंद कर दी है। ऋषि सीजन 13 में आने से पहले सीजन 11 में भी आ चुके हैं। 7वें राउंड में वो आउट हो गए थे और उस वक्त ऋषि सिंह ने हार नहीं मानी थी। काफी कोशिशों के बाद ऋषि सिंह ने 13 में फिर कोशिश की और इस बार ऋषि सिंह के विनर बनने के पूरे चांस बताए जा रहे हैं। वही आपको बता दें, ऋषि सिंह कई म्यूजिक में अपनी आवाज दे चुके हैं। ऋषि सिंह पवनदीप की तरह बहुत आगे तक जाएंगे। अब देखना होगा 2 अप्रैल को क्या होने वाला है। आप किसका साथ देना चाहेंगे? क्या आप ऋषि सिंह विनर बनते देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वोट करें और ऋषि सिंह के लिए प्रे भी करें। पवनदीप राजन के लिए आज का दिन बहुत खास दिन है और आज के इस लकी डे को उनके फैंस, उनके चाहने वाले अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पवनदीप के चाहने वालों ने उनके लिए जश्न भी मनाया और बधाइयों का सिलसिला कुछ इस तरह से लगा हुआ है कि पवनदीप आज सबको धन्यवाद करते करते थक जाएंगे। तो चलिए आज बताते हैं आज पवनदीप के नाम कौन सी उपाधि शामिल हो गई है। पवनदीप का नाम आज सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड में भी शामिल हो गया। जी हां, पवनदीप राजन फिल्म पंगारुन को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ, हाल ही में पवनदीप ने मराठी फिल्म पंगारुन के सतरंगी झाला रे गाने में अपनी आवाज दी थी और उसी फिल्म को अब सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कई मराठी फिल्म शामिल हुई। भाई आप जानते ही होंगे कि इसका आयोजन कर्नाटक सरकार के लिए कर्नाटक चलनचित्र अकेडमी द्वारा किया जाता है। इसी के साथ ये VIFFS बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 12वां संस्करण रहा है और 26 फरवरी से 4 मार्च 2020 तक बेंगलुरु में आयोजित भी होता आया है। यहाँ महेश मांजरेकर की फिल्म पंगारुन में बेटी गौरी इंकवाल की भूमिका आधारित तौर पर चित्रा भारती प्रतियोगिता के 12वें संस्करण VIFFES में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में शामिल हुई। इसी के साथ 20 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली फिल्म पंगारुन गौरी इंकवाल के करियर की आधारित शुरुआत है। ये फिल्म रिलीज से पहले ही बड़ी सफलता पा चुकी थी और फिल्म में गौरी के प्रदर्शन को काफी ज्यादा पसंद किया गया। दरअसल गौरी ने फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। वहीं उनकी नई फिल्म एक पुराने दशक में सेट की गई है। इसी के साथ फिल्म में अमोल वाडेकर, सुलेखा भी इस फिल्म का हिस्सा है और कहानी एक युवा लड़की की है जो एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करती है जिसकी बेटियां दुल्हन की उम्र के करीब हैं। इस कहानी में दुल्हन एक परिपक्व महिला की तरह घर में रहती है, लेकिन वो नृत्य करने में माहिर होती है। इसी फिल्म से महेश की सौतेली बेटी ने मराठी इंडस्ट्री में शुरुआत की है और इसी फिल्म में पवनदीप ने अपनी आवाज दी। एक तरह से इस फिल्म में नए नए कलाकार जुड़े जिन्होंने पहली ही शुरुआत में एक नया रूप दिया है फिल्म को और अपना नाम इंटरनेशनल अवार्ड में शामिल करवाया है। पवनदीप राजन की इस बड़ी उपाधि पर लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, पवनदीप के टैलेंट की सराहना हो रही है और उनके लिए बधाइयों का सिलसिला जारी है। तो पवनदीप को अब तक आपने बधाई दी है कि नहीं?
पवन अरुणिता की एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही है और जो इस बात का सबूत है कि पवनदीप अरुणिता एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। वीडियो में पवनदीप अरुणिता से कहते हैं कि प्यार जितना भी था मेरे पास में गुलाम ये दिल हो गया। उसके बाद अरुणिता हंसते हुए कहती है, इश्क जो लाए तुम मेरे वास्ते, और दोनों लाइव वीडियो में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। पवनदीप अरुणिता को पहली बार एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस तरह से अपने दिल की बात बोलते देखा गया। पवन अरुणिता एक दूसरे से ये लाइन बोलने में इतना शर्मा रहे थे कि जब अरुणिता की बारी आई तो वो लाइन बोलते बोलते कैमरे से हट जाती है, क्योंकि उनकी हंसी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं पवनदीप भी हंसी से पागल हो रहे थे, वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वीडियो में पवनदीप अरुणिता के बीच में आशीष कुलकर्णी भी है और ये वीडियो उस वक्त का है जब पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतकर हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवाने गए थे। पवनदीप अरुणिता उसी गाने की लाइनें गाते नजर आए थे। इनके गाने का नाम था मंजूर दिल। पवनदीप अरुणिता का मंजूर दिल गाना सबसे ज्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि पवन अरुणिता पहली बार इस गाने में एक साथ शूट करते नजर आए थे और उस वक्त पवनदीप अरुणिता का ये गाना भी सुपर हिट गया था। फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया था। अब देखना होगा पवनदीप अरुणिता ऐसे ही किस गाने में काम करेंगे और किस गाने में एक साथ अपने प्यार की कहानी दिखाएंगे। तो फाइनली पवनदीप अरुणिता ने एक दूसरे के संग शो करने की अपडेट अपने फैंस को देकर उनकी चिंता कुछ कम कर दी है, लेकिन अभी भी फैंस को डर सता रहा है कि क्या 15 दिन से पहले पवनदीप अरुणिता एक साथ नजर नहीं आ पाएंगे, कोई शो नहीं करेंगे। जी हां, पवनदीप अरुणिता का जो शो होने वाला है वो 11 अप्रैल को हल्द्वानी में होने वाला है, यानी उत्तराखंड में ही अरुणिता शो कर रही है और बाकी शहरों के शो क्यों नहीं कर रही है। बाकी शो की अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस खुश हैं कि चलो देर सही लेकिन कम कम दोनों एक साथ शो करने के लिए आ तो रहे हैं। तो इतने दिन से अरुणिता कहाँ हैं और क्यों शो नहीं कर रही, इस पर अभी तक फैंस सवाल पूछ रहे हैं। अब जो पोस्टर निकलकर सामने आया उसमें पवनदीप अरुणिता दोनों को एक साथ देखकर फैंस खुश हुए और इन पर ढेर सारा प्यार भी लुटा रहे हैं। वहीं इस बार का शो हल्द्वानी में होने वाला है और हल्द्वानी वाले शो में पवनदीप अरुणिता के ढेर सारे फैंस भी इकट्ठा होने जा रहे हैं। इनका ये लाइव शो होने जा रहा है और काफी ज्यादा फैंस एक्साइटेड है। शो का नाम है कुमाऊं द्वार महोत्सव 2023। इस महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी और पवनदीप तो उत्तराखंड के हैं, लेकिन पवनदीप ने अरुणिता को भी उत्तराखंड के रीति रिवाज अच्छी तरह से सिखा दिए और इस बार अरुणिता उत्तराखंड की संस्कृति को अच्छी तरह से दिखाएंगे, इसलिए इस महोत्सव में दोनों का एक साथ होना बहुत ही ज्यादा कीमती दिखाई दे रहा। तो आप इस शो के लिए क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।